कर मैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 ऑन करूँगा जल्दी, और मुझे उसे रेडी करना है टूरिंग के लिए। तो मैं क्या क्या बेसिकली से मॉडिफिकेशन कराऊँगा, ठीक है? तो ये उसके बारे में वीडियो रहेगी, और तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो। और जो जो प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँगा उनके कुछ ऑप्शंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ से जाके देख लेना, ख़रीदना मत, देख तो लेना कि कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो बेसिक टूरिंग के लिए आपको ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब जो लोग नोएडा के आसपास रहते हैं उन्हें पता है कि सारे राइडर्स की एक ही पसंद है, वो है जॉली वो, मतलब बेसिकली हाईवे मसाला। यस, हाईवे मसाला ये करके बेसिकली फूड कोर्ट एरिया है, एक फूड कोर्ट है वहाँ, स्टारबक्स है और ये सब, तो वो वहाँ ज़रूर लोग जाते हैं यहाँ से राइड करने के लिए लोग, तो वहीं चलते हैं। वहाँ चलते चलते बात करेंगे। ब्रेकफास्ट वैसे मैं करके आया हूँ, लेकिन वहाँ चल के हम कॉफ़ी या कुछ चाय वाय पियेंगे और फिर विल हेड बैक टू होम। सो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप ऑन करते हो तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगवा सकते हो। मैंने अभी ऑन नहीं करी है इसलिए मैंने इसमें कुछ लगवाया नहीं है, लेकिन आई विल स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो फर्स्टली मेरे को लगवाने एक अच्छे ग्रिप्स, क्योंकि ये वाले जो ग्रिप्स हैं ये जो कंपनी के नाम के ग्रिप्स हैं, काम के ग्रिप्स नहीं हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके दो तीन ऑप्शन मेरे माइंड में हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो आप देख लेना, जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। बाकी अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो अलग बात है, तो आप देख लेना हाथ लगा के। बाकी जितने मेरे को अच्छे रिव्यूज़ मिले मैंने वो वाले डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है? सो दूसरी चीज़, मतलब मुझे लगता है ये मिरर्स अच्छे हैं, मतलब ठीक है, लेकिन ना इनको एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो अगर मैं ये बाइक ऑन करूँगा तो मैं लगवाऊँगा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के ही जो टूरिंग मिरर्स होते हैं बेसिकली, उसमें आपके पास एक सेटिंग और होती है तो आपके लिए सेट करना ईजी हो जाता है। तो अगर उसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप रॉयल एनफील्ड से ले लेना, ठीक है? और यस, तो 107 किलोमीटर क्या है, 107 किलोमीटर है, तो देखते हैं। जॉली वो तो नहीं, 35 यहाँ जाना है, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ हो गई ये आपकी ऑक्स लाइट्स। सो ऑक्स लाइट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल जब मैं नाइट में राइड कर रहा था तो मेरे को लगा था कि हेडलाइट वैसे ठीक है एक टाइम तक, लेकिन एक के बाद आपको जब रोड में और लाइट्स नहीं है तो आपको ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट इसका जो स्प्रेड है वो नीचे नीचे रहता है, तो आपको ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी मिल जाती है रोड की, ठीक है? तो ऑक्स लाइट ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कुछ अच्छे हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप मतलब मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, चलो डिस्क्रिप्शन में। फिर भी अगर कोई वीडियोज़ होगी जहाँ पे अच्छे ऑक्स लाइट के लिए वो बारे में बताया हुआ तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है? सो ये हो गया ऑक्स लाइट्स। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ज़रूरत है वो टूरिंग की, आप गेस करो, तब तक थोड़ा सा राइड करता हूँ। गेस कर लिया तो कमेंट में डाल देना, ठीक है? अधूरा लिखा हुआ है, इसका ये कहने का मतलब है कि दुर्घटना से देर हो रही है, ठीक है? देखो इनको, देखो इनको लगता है जल्दी पहुँचो चाहे दुर्घटना हो जाए। और हेलमेट भी उतार रखा है, क्योंकि पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना, उसका मैं भी उतार देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, जिएंगे तो साथ मरेंगे तो साथ। आपने गेस कर लिया, कॉमेंट डाल दिया क्या? चलो मैं बताता हूँ, इफ यू ओन दिस बाइक और आपको टूरिंग करनी है, यू नीड टूरिंग सीट फॉर श्योर। अरे यार ऐसा दर्द हो गया है ना, मैं बता नहीं सकता, कल भी इतना घूम के, मतलब ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा, मतलब आप देख ही सकते हो, है ना, समझ गए ना? तो उसके बेस पे मेरे को सीट वैसे भी अच्छी चाहिए, ये सीट तो बस नाम की सीट है, बस टशन टशन है कि भैया वो फील देने के लिए एक सीट बना दी अच्छी हमने, ठीक है? और अब और क्या चीज़ चाहिए, इसका हॉर्न एक अच्छा हॉर्न लगवा सकते हो, वैसे इसमें इस पर्टिकुलर बाइक में अच्छा हॉर्न लगा हुआ है, मुझे ये नहीं पता बाइक में यही हॉर्न आता है दूसरा आता है, लेकिन एक अच्छा हॉर्न आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये बाइक ना वैसे तो देखो आप ऐसे कोई एग्जॉस्ट लगाओगे तो शोर ही मचाएगी मस्त, लेकिन जब आप ऑब्वियसली लॉन्ग टूर करोगे तो आप एग्जॉस्ट लगाओगे डीबी किलर, तो थोड़ा सा और बाइक को विजिबल होने की ज़रूरत है।
तो एक तो आप उसमें लगाओ अच्छा हॉर्न, और दूसरी चीज़ जो आपको विजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है वो क्या है बताओ, कमेंट करो, बताता हूँ मैं एक मिनट बाद। तो यार सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, ठीक है, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये शेयर जरूर करना किसी के साथ जो लोग टूरिंग करते हैं, ये करना चाहिए तो करते, उन्हें पता ही होगा, जो नए हैं उनके लिए शेयर कर देना। मैंने कर रखी है थोड़ी बहुत, लेकिन हो गया मुझे टाइम, लेकिन अब मैं वापस आने वाला हूँ तो ऑब्वियसली मुझे भी अपने लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो हेड टर्नर तो ये बाइक है, मतलब सिर्फ आवाज़, जैसे अभी तो इतनी आवाज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं बहुत 60 पे क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से, क्योंकि मेरे को शोर भी नहीं मचाना है, कब से बात करनी है, लेकिन फिर भी जो बाइक का जो लुक है ना, मुझे लगता है जो स्केड्यूल एग्जॉस्ट है ना वो एक वन ऑफ द रीज़न है, प्लस जो एग्जॉस्ट है ना वो ऐसे स्वेप्ट अप है तो वो बहुत मैटर करते हैं। आपको लग रहा होगा यार कि ड्यूल एग्जॉस्ट तो यसडी में भी है, लेकिन यसडी की ना स्ट्रेट है, स्ट्रेट में ना यार वो थोड़ी सी ना वो फील नहीं आती, ऐसा लगता है कि बस ठीक है, मतलब वो स्पोर्टी फील नहीं आती जो इसमें आ रही है, क्योंकि हल्के से ऊपर है तो लोग सोचते हैं पता नहीं कौन सी बाइक है, कहाँ राइड कर रहे हैं, ये चीज़ें उनको हेड टर्नर बनाती है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अच्छा तो वापस आता हूँ वीडियो में, तो मैंने बोला था कि विजिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए एक और क्या चीज़ चाहिए होती है, तो विजिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होती है आपको ब्लिंकर्स, तो बेसिकली आपके इंडिकेटर है नॉर्मल, उसके साथ लगवाओ ब्लिंकर्स, तो उसी के अंदर आपकी सेट हो जाता है ब्लिंकर का, तो मतलब प्लग इन प्ले है, कोई आई थिंक वायर कट भी नहीं होती, सिर्फ आप फिक्स करते हो उसको, तो उसके ऑप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि इसमें है ऑलरेडी ये स्विच उसी का है, तो ब्लिंकर्स अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हो तो आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव करेगा, मतलब आपको विजिबल करेगा, क्योंकि विजिबिलिटी दो तरीके से होती है, एक होती है कि आपको क्या दिखता है, आप कितने को दिखते हो, ठीक है, दोनों ज़रूरी है, तो पहले वाली जो आपको क्या दिखता है उसके लिए आपके पास अच्छी हेडलाइट होनी चाहिए और आपके पास होने चाहिए ऑक्स लाइट्स, लेकिन आप दुनिया वालों को देखो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपको चाहिए ब्लिंकर्स, प्लस रेयर जो आपकी लाइट है वो इनफ होती है, बाकी आप ब्लिंकर कर लोगे तो और विजिबिलिटी आपकी आप विजिबल हो जाओगे तो ईजी रहेगा, सेफ रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है, दिन में तो आप विजिबल रहते ही हो, ये नाइट ड्राइव की बात होती है, सो ये प्रोडक्ट है जो आपको ज़रूरी है। अब एक और चीज़ है जो आप लगवा सकते हो अगर आप टूरिंग करते हो, तो कभी मेरे भी जो इसका जो आप ये जो आप देखोगे ना विंड, ये जो वाइज़र लगा हुआ है ये वाला ठीक है, मतलब ये लुक वाइज ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल आपको बताऊं तो हवा मुझे तो यहाँ पे हिट कर रही है, यहाँ से अगर उठ के भी आती तो यहाँ आती है, तो अगर आप टूरिंग बहुत रेगुलर करने वाले हो तो कम से कम इतना ऊंचा तो लगवाओ, सो दैट उससे एक सेकेंड सो दैट जो हवा उससे लगे तो थोड़ा ऊपर से निकले, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ तक बेस्ड ऑन योर हाइट होना चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आप मतलब लाइक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं कुछ ऑप्शंस, तो देख सकते हो वहाँ से ऑर्डर करना, कुछ तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, वो जब मैं अपनी बाइक खरीदूँगा तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए मैंने लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख लेना। सो ये तो हो गए जो जो मुझे हाईवे की अभी तक ज़रूरत लगी, अभी मैं और सोचता हूँ, अगर मुझे और कुछ समझ आता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस करके ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक मैंने कहीं से कोई लिस्ट देख ली है, मुझे जो चीज़ अभी लग रही है मैं आपको शेयर करता रहूँगा। चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।